अस्सलामु अलैकुम। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आइए, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, आज हम उससे उस पर बात करेंगे किस तरह के लोगों से कैसे बचा जाए। तमाम व्यूवर्स, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। आज का सवाल ये है, किस तरह के लोगों से मुझे बचना चाहिए और किस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए। सवाल ये पूछा गया है मुझे, किस तरह के लोगों से बचना चाहिए। आइए आज हम इस पे बात करते हैं। हमें पहली किस्म, हमें इस तरह से लोगों से बचना चाहिए जो फ़ायदेमंद नहीं हो हमारे लिए, ठीक है। इन्हें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली किस्म ये वो है, हमें स्लैकर्स से बचना चाहिए। स्लैकर्स मतलब वो लोग होते हैं जो सुस्त होते हैं। स्लैकर्स खुद तो सुस्त होता है, साथ आपको भी सुस्त कर देता है, इसीलिए हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। और एक ये बात, इसने ये जो स्लैकर्स होते हैं, इसने कहीं खुद भी नहीं जाना होता और ये कहीं दूसरे को भी जाने नहीं देता, इसीलिए इसे कहा जाता है, पंजाबी की कहावत है, ऐसे कहते हैं किसी बंदे नू बन के मारे हैं। ये वो बात आ जाती है, ये खुद भी कुछ नहीं करता और दूसरे को भी ये कुछ नहीं करने देता, इसलिए हमें स्लैकर से बचना चाहिए और ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए।